मिले हुए तो अशोक गहलोत, वसुंधरा है, जिनको कोरोना भी एक साथ हुआ, दोनों को वाक नहीं हुआ। आप सबको पता है कि गरीब की सुनने वाला न तो इस प्रदेश के अंदर है न देश के अंदर है, और दुर्भाग्य इस बात का है जो सुनने वाले हैं उनका भरोसा धीरे धीरे लोग कर रहे हैं और उम्र निकलती चली जाएगी। आपको भरोसा करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है। इतिहास उठा के देख लें कि जब भी आप और हम एक हुए व्यवस्था बदल गई, और अब हमें एक होना है। एक बार छोटी मोटी बातों को जाजम के नीचे रख के हमें 23 के अंदर ये सेमीफाइनल और 24 का जो फाइनल होगा उसमें भी हमें एकता के साथ रहना है। आप सबको बधाई, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है ये तो सरकार को खुद ही लगानी चाहिए प्रमुख चौराहों पे। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जितने भी वीर हुए, उन सबकी प्रतिमाएं सरकार को प्रमुख चौराहों पे अपने हिसाब से हर समाज का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए, समाजों की आस्था भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को खुद ये कार्यक्रम करने चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं करती, सरकार तो लड़ने का काम करेगी। जहाँ जिनकी लगानी है उनको कह देंगे आप लगा दो, और दूसरे दिन दूसरों को कह देंगे आप सड़क पर आ जाओ आंदोलन करने के लिए। ये सरकारों का काम रह गए कि जनता को लड़ाओ और वोट बढ़ाओ। अभी राम साहब ने संभाग की बात करी, बहुत अच्छी बात है। अगर नागौर संभाग बनता तो अपने इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। वैसे ही जिले खूब बना दिए, और कई तो ऐसे जिले बना दिए जो नगर पालिका भी नहीं है। आप बताइए, दूध जिला बनाया, अब तो ग्राम पंचायत है, ऐसे बना दिए। कई कागज क्या जल्दी जल्दी बने तो कागज ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे ऊपर आ गया तो घोषणा हो गई उनकी। और अब की बार तो आपने देखा होगा बजट ही 7-8 मिनट पुराना पड़ दिया था। अब तो जल्दबाजी में था ना कि सरकार गिर नहीं जाए, पीछे कह करते कि पीछे से गिर जाएगा, पढ़ लो। अरे कि क्या कर दिया, जाओ। अब बीजेपी के बाद दूसरा मुद्दा उसी बात का, बजट गलत पड़ लिया। अरे इन तो बजट गलत पड़ लिया, तुमने तो गलत बजट दे दिया कई बार, वो भी लोगों ने झेला है। तो ये हालात है इस स्टेट की। इसलिए संभाग नागौर हमारा बने और जिले बने, हम तो ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा जिले बनेंगे। एक मेरा वीडियो वायरल हो रहा था, मैं कह रहा था कि 50 जिले बने, और 50 ही बन गए तो मेरे विरोधी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने 100 के लोग मिले हुए हैं। इतने मैं कहीं दिल्ली में बैठ जाऊं तो कह रहे हैं कि तो मोदी जी से मिले हुए हैं। अरे मैंने कहा मैं ही मिला हूँ क्या सबसे, और नहीं मिले हुए क्या आपस में? मिले हुए तो अशोक गहलोत, वसुंधरा है, जिनको कोरोना भी एक साथ हुआ, दोनों को वाक नहीं हुआ। मैं कहाँ मिला हुआ, तो मिले हुए भाई। जैसे कोरोना हुआ गहलोत को, बोले कोरोना हो गया वसुंधरा जी को। ये तो मिले मिला जुली का खेल राजस्थान में चला, और यही चर्चा चल रही पूरे देश के अंदर। आप सबको धन्यवाद। और एक छोटा सा, एक हमारे अम्बेडकर जो भवन, अम्बेडकर भवन है, उसमें मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद दूंगा कि चेयरमैन साहब ने सबकी जो डिमांड थी उसके अनुसार पट्टा जो 40-60 का उसको बढ़ाते हुए पूरा पट्टा जो हमारे परिसर है उसका पूरा पट्टा, ये भजन सिंह जी सब लोग चेयरमैन साहब से मिलेंगे, पूरा पट्टा ये देंगे। और 10 लाख रुपए मेरी तरफ से MP कोटेज में उसके अंदर देने की घोषणा करता हूँ। मैंने आपके डीडवाना के अंदर भी पहले 10 लाख रुपये दिए, 10 लाख और 20 लाख रुपये अम्बेडकर भवन के लिए डीडवाना के अंदर भी सांसद कोष से। और जहाँ भी आवश्यकता हो, मैं भजन सिंह जी को ये भी पूछ रहा था कि आपको और कहीं बाबा साहब की मूर्ति लगानी हो और कुछ करना हो तो हमारे भी क्या कि पैसे मोदी जी ने 2 साल का बजट छीन लिया, फिर भी 1-1.5 करोड़ रुपए पड़े तो आनंद फन में और ले जाओ सारे जो गए पीछा छूटा। हम भी कहते भाई बाहर लगा देंगे, सांसद कोटा खत्म, कृपया जो पहले आएगा ले जाएगा। तो आप बना के दे दें, बाबा साहब के नाम पर तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हो, और भजन सिंह जी आज भावुक इसलिए हो गए, विट्ठल जी की याद आ गई और उन्हें उस संघर्ष के दिन याद आ गए। शायद उस समय आपको जिन नेताओं ने परेशान किया उनका नाम यहाँ लेना उचित नहीं हो, आप जानते हैं सारा। लेकिन भजन सिंह जी थकने वाले नहीं हैं। एक बार तो रात को 1 बजे आ गए थे मेरे पास, मैंने कहा आप जाके सो जाओ, बोले यहाँ लाग जी, मैं क्यों कोई गुनला वो सुतारो नागौर के वहाँ। मैंने बोल दिया ना जो आप कहोगे वही होगा, और वही हुआ। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आपने किया है ये ऐतिहासिक काम है, और आप सही के लिए लड़ रहे थे, और सही के लिए जो लड़ता है उसकी ईश्वर भी मदद करता है, हम सब मदद करते हैं। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम बना, आप सब उपस्थित रहे, और हजारों की तादाद के अंदर हमारे माताएं बहनें सब सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेघवाल समाज के साथ साथ सर्व समाज हमारा यहाँ बैठा हुआ है। तो यही एक संदेश होता है बाबा साहब का कि सर्व समाज साथ मिलके हम जो हमारे पिछड़े भाई हैं इनको आगे की पंक्ति में लाएंगे, और सामाजिक समरसता, हमारी सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक उत्थान और बराबरी का दर्जा, समानता का अधिकार, ये भी जब ही हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।